ऐसा ये देखो कुवैत का टावर वगैरह सब कुछ इधर से दिखाई दे रहा है, और मैं इधर जो ग्राउंड है फ्री वाली पार्किंग उधर ले जाके गाड़ी को खड़ी कर दूंगा, और इस फोटेज कार है भाई की आकर जबरदस्त। और इधर भी मस्जिद है, और ये बड़ा वाला मस्जिद जो आपको राइट साइड में दिख रहा है भाई, मस्जिद अल कबीर बोलते हैं अरबी में, और भाई हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं सबसे बड़ा कुवैत का मस्जिद है, सबसे बड़ा देख सकते हो, जबरदस्त बहुत बड़ा मस्जिद है। मस्जिद अल कबीर मतलब कुवैत का सबसे बड़ा मस्जिद बोलते हैं अरबी में, मस्जिद अल कबीर। और कुवैत का रास्ता है दोस्तों इधर पूरा राइट साइड से हमको चलना पड़ता है, लेफ्ट साइड से नहीं चल सकते। और अभी हम बड़ा वाला रास्ता पे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये सिटी की तरफ, सिटी के ही पीछे पीछे हम चल रहे हैं। कुवैत का जबरदस्त देखो रास्ता ऐसा होता है, अपने रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। और तुम्हारा भाई गाड़ी बिगड़ गया, और बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई आता है कि नहीं कंपनी वाला मेरा। जब आप आए थे पहले उस टाइम 1100 सब्सक्राइबर थे, अभी 4000 सब्सक्राइबर हो गए, मालूम क्या है अरे क्या धूल मिट्टी पूरा हो रहा है। इमरजेंसी गेट है तो इमरजेंसी गेट है, उतना हमको भी काम मालूम भैया जी, हम भी तो नए नए आदमी है। एक साल पहले भी आप ही आए थे उधर अल्लाह सीमा के नीचे बनाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो तुम्हारा प्रेम भाई कुवैत से नया प्लक्स लेके आया है, लेकिन थोड़ा आज मुश्किल है। और इधर देख सकते हो मेरा गाड़ी, और एक गाड़ी का हो गया है आज भाई, एक पुराना सा वीडियो था मेरे पास वैसा ही हो गया, बैटरी डाउन हो गया। और इधर ये बैटरी है, और ये चला गया भाई, बैटरी चला गया, एक साल हुआ था चेंज किया, और पुरानी एक वीडियो है उस पर भी देख सकते हो। और ऐसे ही बैटरी भाई रास्ते में इधर में गाड़ी, इस अमीरी हॉस्पिटल है मतलब एक कुवैत का शार्क है देख सकते हो, और ये बिल्डिंग बड़ा बड़ा, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये शार्क हॉस्पिटल में मैं खाना लेके आया था इसके अंदर, और इधर तक आते वक्त थोड़ा बहुत परेशानी दिखा रहा था, मतलब मालूम चल जाता है थोड़ा बहुत की बैटरी का जो स्टार्ट होते वक्त, और मैं सोच रहा था भाई ये जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, सोचा नहीं था। लेकिन अभी सलाम वालेकुम हो गया दोस्तों, और मैंने भाई फोन वन लगा लिया है जो इसको बैटरी लेके आएगा, बंदा शोरूम से आता है, और हमको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच रास्ते में हो गया बड़ा वाला रास्ता में तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये क्या हुआ इसे भाई शांत जगह पे हुआ है, उतना मुश्किल नहीं है। और देखो पूरा ये बैटरी चेंज करना पड़ेगा, एक साल हुआ था चेंज किया, और सबसे जल्दी जल्दी इधर बिगड़ने वाली चीज़ ही बैटरी है। क्या होता है धूप बहुत तेज़ होती है, और धूप में गाड़ी भाई ऐसे रखते हैं ना रास्ते पे, मतलब पार्किंग के लिए भी कोई अपना ग्राउंड वगैरह पे रखते थे, और धूप बहुत तेज़ लगती है तो भाई बैटरी उड़ जाता है, तो अभी भी उड़ गया। और तुम्हारा भाई बैठा है, कुछ चालू वालू नहीं होता, और दिखाता हूँ मैं अंदर से आपको कैसा होता है भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, है ही नहीं कुछ, सिग्नल विग्नल भी कुछ नहीं है देख सकते हो। इधर देखो इमरजेंसी लाइट भी बहुत धीमी धीमी चल रहा है, बहुत बेकार सी चल रही है। और ये देखो मैं चाबी घुसा रहा हूँ, और देखो कुछ है ही नहीं, कुछ है देखो, जब चाबी ऑन किया वो इमरजेंसी जल रहा था, वो भी बंद हो गया। और ये जो दिख रहा है छोटा सा सिग्नल, अब तुम्हारे भाई का स्टीयरिंग, ये पूरा धूप की वजह से भाई उड़ गया पूरा, देखो ये पूरा फट गया पूरा धूप की वजह से। और मैं आगे बर्नर खोल के बैठा हूँ, और इधर ही गर्मी से भाई मरे जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई बहुत गर्मी है भाई, अभी धूप चला गया लेकिन फिर भी गर्मी है। और बर्नर खोल के ऐसे बैठा हूँ मैं, अब ये कंपनी वाले को भाई फ़ोन किया था मैं, अब ये कंपनी वाले को बताना पड़ता है कितना नंबर गाड़ी नंबर क्या क्या है और कहाँ हो आप, वो लोकेशन वगैरह सब कुछ ले लेता है जी। और मैं भेज दिया, बोला इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा कोई बंदा उधर, तो एक भाई आते हैं जो इसी रास्ते पे, जो उसका कंपनी मतलब उससे लिया हुआ गाड़ी होगा, और वो गाड़ी कहीं रास्ते पे बिगड़ गया इधर उधर हो गया, तो भाई वही वहीं से आते, चाहे बैटरी से हो या इधर उधर का जो दूसरा मसला हो, मतलब एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट के लिए खुद परेशानी में पड़ जाते, लेकिन जो गाड़ी बिगड़ने वाली चीज़ रहती है ना, जैसे टायर वायर फट गया, बैटरी निकल गया, निकल नहीं मतलब ऐसे ही हो गया, तो आते ही भाई उधर ही से ही शोरूम से ही भेज देता है। जैसे टायर फट गया रास्ते के बीचों में, तो भाई अपने पास एक एक्स्ट्रा टायर होता भी है, एक्स्ट्रा टायर, तो दो तीन टायर एक ही साथ फट गए तो भाई भी फिर भी फ़ोन करके बुला सकते हैं भाई कैसा है। और देख सकते हैं इधर का नज़ारा, टावर है भाई बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त टावर है, और ऐसा लोकेशन पे है मैं अभी, देख सकते हो क्या ज़बरदस्त घर है। और इधर भाई पार्किंग के जगह था, अभी तो पूरा बंद कर दिया है, कंपनी का बॉस है जो इधर से अमीरी हॉस्पिटल ले रहा, तो यहाँ से
ले जाते हैं जो भी बीमार ये जो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले जो भी डॉक्टर नर्स वगैरह वगैरह, और ज़्यादातर डॉक्टर तो भाई अपना ही गाड़ी पे जाएंगे। अब जो होते जो क्लीनर वगैरह काम करते और जो थोड़ा नीचे वाले पोस्ट पे काम करने वाले के लिए बस है, नहीं तो भाई सब लोग कार के अंदर ही चलते। तुम्हारा भाई खोल के बैठा है बर्नर, देख सकते हो अभी आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। और पीछे भाई टैक्सी भाई भी है खड़ा। और भाई तुम्हारा भाई को अभी कितना देर इंतज़ार करना पड़ेगा वो मालूम नहीं। और बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई आता है कि नहीं कंपनी वाला, तो भाई आज बताना चाहूँगा कंपनी वाला आता है भाई। ऐसे बिगड़ गया तो भाई फ़ोन करना चाहिए। और मैं पानी मारा था और पानी मारने के बाद देखो पूरा गंदा हो गया भाई। अभी थोड़ा मैं साफ़ कर देता है, क्योंकि भाई जो कंपनी वाला आएगा भाई इतना गंदा देखेगा मतलब सोचेगा कि गंदा है, लेकिन है नहीं असल में। मैं दिन में क्या किया था, बहुत धूप था, 50 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, तो मैं भाई इधर पानी मार दिया था थोड़ा, तो भाई उसी का है। और अभी थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं, मतलब गलत का है दिखाने का। और इसे साफ़ करके जो पानी मारने के बाद धूल पकड़ लेता है ना, वही हुआ ना इधर। अब बोलता है कि भाई थोड़ा साफ साफ करके रखना चाहिए, इधर उधर देगा तो क्यों सुनने का वो बात। तो चलो अभी से साफ़ कर देते हैं, ये बराबर कर देंगे। और इस पे है सबसे दिक्कत की बात। और देखो अब उनका भाई लगभग आधा घंटा एक घंटा कितना घंटा लग सकता है वो मालूम नहीं है इधर आके बनाने के लिए। इधर ऐसा है भाई, ये हेडलाइट वगैरह को भी साफ कर देते हैं। ये पानी मारा था उसी का नतीजा है भाई। देखो ड्यूअल बीवीटी आई है टोयोटा का, न्यू गाड़ी है भाई, ये पूरा न्यू गाड़ी है। लेकिन इधर तक आके भाई बंद पड़ गया, अभी क्या कर सकते। अभी थोड़ा साफ दिख रहा है ना पहले से। दोस्तों बताओ अभी क्या हुआ मालूम नहीं है, तो क्या क्या चीज़ का है ये भी मालूम नहीं है। इधर प्लस माइनस का इसके ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है भाई, इसे इधर खाली छोड़ा जाता है, इधर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। मतलब शोरूम से जो आता है ना, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो भाई अभी शोरूम से भाई आएंगे, उसके बाद से देखेंगे। और सीधा भाई मालूम ही है, देखो इमरजेंसी लाइट भी कितना धीमी धीमी से चल रहा है भाई। अभी अभी अच्छा चला भाई यार बैटरी चलाने के बाद, देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं एक बार। बैटरी चलान थोड़ा हिलाया था ना इसलिए कुछ रिएक्शन दिखा रहा है भाई गाड़ी वाला, मतलब गाड़ी बड़ा वाला लाइट जल रहा है अभी। लेकिन नहीं नहीं देखो तो बंद हो गया ना, देखो ऐसी खुला जैसे होता है ना, देखो थोड़ा लाइट आया जैसे होता है। सलाम अलैकुम, ये देखो देखो स्टार्ट का तो कोई मतलब नहीं, देखो मैं कर रहा है ना हो ही नहीं रहा है, देखो ये देखो कुछ फायदा ही नहीं है भाई, स्टीयरिंग पूरा हार्ड है। और भाई ऐसा ही होता है भाई, जो इधर उधर एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया तो भाई उसमें नहीं बनाने आता शोरूम वाला, क्योंकि वो पूरा गलती है। लेकिन गाड़ी में गड़बड़ कुछ भी हो जाए ना तो आ जाता है बनाता है। अभी आएंगे भाई, केरला के भाई रहते हैं और वो आके बैटरी चेंज करेंगे और कुछ पर्ची वर्ची पर लिखेंगे और जाएंगे एक साल पहले यही जगह पर इसके अंदर भाई जो बिल्डिंग दिख रहा है उसके अंदर बीचों बीच ऐसा ही हुआ था। और उस टाइम भी मैं लोकेशन भेज दिया था, भाई सीधा आ गए थे। अभी आज भी वैसा ही होगा, भाई सीधा आएंगे और बैटरी चेंज करके मैं जाऊंगा। और मैं बोल दिया भाई जहाँ पे मैं काम करता हूँ उधर बोल दिया भाई मेरा गाड़ी का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने ही नंबर भेज दिया मेरे को। मेरे पास नंबर था पहले, लेकिन अभी किधर चला गया मालूम नहीं है। तो भाई फिर से वो मुदिर बोलते हैं जो मैनेजर वगैरह जो हमको रेक्टेक करने वाले जो ऑर्डर बर्डर देने वाले, तो उनको ही बोला मैंने कि भाई चला गया गाड़ी तो क्या करना है। तो बोले मैं भेज देगा नंबर, मतलब कंपनी वाले को बताओ बोला। मैं बोला नहीं है नंबर ही नहीं है, काहे बताएगा कैसे बताएगा, तो नंबर भेज दिया। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और बिना एसी के रह नहीं सकते गर्मी में, तो भाई यही रहता है इधर। अभी वो आएंगे इधर उधर का वीडियो बनाने के लिए, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। और आप लोगों को बताना था कि जो गाड़ी इसे बिगड़ जाता है ना तो आता है भाई शोरूम वाला, बिगड़ते वक्त आएगा भाई, थूकते वक्त नहीं आएगा, बिगड़ते वक्त आएगा, थूकते वक्त। अगर आपका कंपनी कैसा है वो भी कमेंट में बताइएगा जो भी। और जो नया है भाई इस चैनल में प्रेम ब्लॉग्स कुवैत को जो नया देख रहे हैं, तो भाई उनको भी ज़रूर इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को वायरल कर दीजिएगा। और देखो ऐसा ही है इधर का नज़ारा, गाड़ी बिगड़ गया भाई, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी लेके चल रहे है भाई कुवैती लोग। देखो क्या ही ज़बरदस्त बिल्डिंग, देखो क्या ही मस्त बिल्डिंग है।
और यही है भाई, अब लगा दिया मैंने, ये लॉक भी नहीं है तो भाई ये बर्नर खोलने के बाद कोई मसला नहीं है। और देखो ऐसा है, और तुम्हारा भाई गाड़ी बिगड़ गया तो भाई आ गए भाई बैटरी बैटरी ले आके, अभी इसका चेंज होगा पूरा भाई, आ चुके देख सकते हो दोस्त, इधर बिगड़ा है भाई। सामने बोलता कि मैं बोला ना पुराना वाला गेट, मैं पुराना वाला गेट है बाबा, इमरजेंसी गेट है, इमरजेंसी गेट है, उतना हमको भी काम मालूम भैया जी, हम भी तो नए नए आदमी है, हमको तो ये पुराना बिल्डिंग बोल के ऑर्डर मांगता है, मैं इधर ही आता है। चला गया बैटरी, ये दुनिया में नहीं रहा, ऊपर चला गया, लेकिन आप इधर ही है, इधर ही थे। इतना आसानी से तो लगाए बैटरी, एक गर्मी में बहुत निकल जाता है बैटरी का प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बढ़िया जबरदस्त रहता है। तो भाई अभी भाई आए हैं, बनाएंगे बैटरी बैटरी और डाल के निकाल लेंगे, इधर से चले जाएंगे। और ये देखो मस्जिद का ही व्यू है, मस्जिद का व्यू देखो तुम लोग। और भाई जो भी नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या आ रहा है? कहाँ? ये एम्बुलेंस है ना भाई जान। कौन सा है? ये फोर्ट का एम्बुलेंस है भाई। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी नहीं बोलते? बोलते होंगे लेकिन ओल्ड बिल्डिंग मेरे को मालूम है बस, इमरजेंसी तो मेरे को सुना नहीं। आप बोले अभी मालूम चला, अच्छा हाँ भाई ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी कोई बोलेगा तो आ जाता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बार बोले भाई मैं, ओके इंशाल्लाह मैं दूसरी बार बैटरी गर्मी में ही जाता है बस, मेरे को मालूम है। एक साल पहले भी आप ही आए थे उधर अलासीमा के नीचे बनाने के लिए। स्टार्ट करो, ये बंद कर दो, इमरजेंसी बंद कर दो, ओके। किधर है चाबी? ओके कर दिया मैं स्टार्ट, नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं भाईजान, पूरा प्राण पखेरू निकल चुका है इसका, लेकिन क्या जबरदस्त चढ़ के में निकल जाता है। अभी बैटरी डालने रहा जा रहा है भैया, अपने पर्ची बर्ची निकाल दिया, मेरा जब आप आए थे पहले उस टाइम 1100 सब्सक्राइबर थे, अभी 4000 सब्सक्राइबर हो गए मालूम। क्या है अरे क्या उत्फूल में चुपरा हो रहा है, आप सफर नहीं गए, मतलब वो जो एक साल पहले से नहीं गए अभी? अच्छा अच्छा, ऐसे रास्ते में अगर दूसरे का भी जाता है तो ऐसे उठा के ले आते भाई, नया बैटरी डाल के रखा होता है दो चार, अरे पुराना बैटरी है देख सकते हो इधर, पुराना बैटरी एक्सचेंज करके जो चेक करके निकाल देते हैं, बनाने के लिए कुछ बिगड़ा भी है। मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, सीधा बात बताए तो, है ना, टोयोटा कार बस कार सर्विस के। अंदर से निकल गया बैटरी बैटरी देखो भाई पूरा डिब्बा डिब्बा। अस्सलाम वालेकुम, अभी नया बैटरी आएगा, नया बैटरी डालेंगे, एक छड़के में स्टार्ट हो जाएगा भाई, निकाल रहे हैं नई बैटरी डालेंगे इधर, मैं करूँगा स्टार्ट। भाई बोलेंगे स्टार्ट करो तो मैं कर दूंगा स्टार्ट, मेरे हॉस्पिटल पे ही रात हो गया भाई आज तो, टैक्सी वाले भाई भी बहुत हैं, और इसको भाई इमरजेंसी गेट बोलता है भाई, और इधर नर्स वगैरह भी बहुत होती है, मतलब अपने देश के जैसे जो 19-20 साल का नर्स नहीं होता भाई, इधर मैंने देखा नहीं, जितना भी नर्स होता है 35 साल के 40 साल के 30 साल के 32 साल के वैसे ही, मतलब साल मालूम नहीं, देख के चेहरे देख के पता चल जाता है भाई कि थोड़ा एज हो गया दीदी का। तो भाई एक साल पहले भी भाई नहीं आए थे इधर,
मारो चाबी स्टार्ट। हाँ अभी होगा, एक झटके में स्टार्ट होगा, अभी तो आने नहीं है। अभी हो गया चालू, अभी होता है भाई, ठोक रहे भाई। देख रहे भाई गाड़ी बिगड़ गया, वो भाई देख के जा रहा है। हाँ देखो एक झटके में कर दिया भाई ने, भाई का लाख लाख शुक्र हो भाई, जल्दी जल्दी आ गए बना रही है, बिगड़ गया था गाड़ी भाई ने भी बना दिया गाड़ी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अभी हो गया देखो नया बैटरी, नया डेट, पूरा डेट वगैरह सब कुछ नया ले हो गया, तो गाड़ी का फोटो लेना है। ओके नंबर प्लेट का फोटो लेंगे भाई, बैटरी का फोटो लेंगे भाई, गाड़ी का भी फोटो लेंगे भाई। बंद कर दो भाई इसको, अरे हम बर्नर लगाने जा रहे हैं भाई, देखो हो गया ना, गाड़ी स्टार्ट हो गया भाई, चालू हो गया भाई, किलोमीटर का भी फोटो लेंगे। सिटी है जबरदस्त सिटी है, गुगल सिटी। ओके भाई थैंक यू सो मच, आप आ गए भाई, आप यार बहुत जल्दी आ गए। नहीं नहीं यार भाई, यार जूस बस पीजिए यार, क्या यार क्या बात कर भाई है ना, जूस बस पीने भाई, मैं नहीं ये ये नहीं है, इसमें नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो ये तो भाई का प्यार नहीं दिया मालूम, आप बहुत जल्दी आ गए तो भाई अभी भाई निकल रहे हैं भाई, बना दिया गाड़ी वाड़ी, देखो चालू वालू हो गया, अभी एसी वेसी भी चलने लग गए। अभी भाई को मैंने कुछ चाय पानी जूस के लिए भाई एक दिनार दिया था भाई, सोचे भाई कैमरा में आ जाएगा तो कुछ दिक्कत हो जाए, मैं बोला नहीं भाई मेरे मैंने दिया ना भाई आपको, कोई मसला नहीं है। तो भाई चले गए, मतलब क्या होता है भाई लोगों को कंपनी के हिसाब से ही जॉब होता है करने के लिए, तो भाई कोई मसला नहीं है, भाई लोगों का सैलरी अलग से होता है। ऐसे जो रास्ते पे गाड़ी वाड़ी बिगड़ गया ना किसी का भी, मतलब किसी का नहीं होता, जो शोरूम ऐसी कंपनी वाले, मतलब हर किसी कंपनी का हर कोई आदमी बंदा रहता है, यही है। तो भाई देखो चले गए भाई, चले गए ओ है भाई, गाड़ी में आते हैं अब बना दिया और निकल गए भाई। अभी तुम्हारा भाई भी निकल जाता है इधर से, देखो भाई लगभग आधा घंटा एक घंटा तो चला गया मेरा, इधर रख देता हूँ फोन, और मैं भी निकल रहा हूँ दोस्तों। अभी बहुत मुश्किल होता है भाई जब गाड़ी खराब हो गए ना, तो अगर उससे भी बुरा तो क्या होता है कि जब गाड़ी में खाना पड़ा हो भाई, जब गाड़ी में खाना पड़ा हो और भाई गाड़ी ऐसे बिगड़ जाए तो भाई बहुत दिक्कत होती है। मेरे को जाना था पीछे से लेकिन कोई मसला नहीं है, और आगे जेनेसिस का कार है ज़बरदस्त, और अमीरी हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ दोस्तों मैं, अभी आगे से जाएंगे। ये देखो स्टाफ बस है, ये अमीरी हॉस्पिटल का स्टाफ बस, ये भाई थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कोई मसला नहीं, मैं इधर से यू टर्न कर देता हूँ, इधर से यू टर्न कर सकते हैं देखिए, और इस साइड सीधा जाएगा तो भाई समंदर है, समंदर का रास्ता, और एक कुवैत का एरिया है भाई, देख सकते हो पूरा कुवैत का एरिया है, ज़बरदस्त एरिया है। और मैं वो बस के उस साइड अंदर था, आप लोगों को मालूम है। और ये देखो अभी मैं होटल के लिए रवाना हो रहा हूँ, मतलब दिक्कत था भाई गाड़ी बिगड़ा, अभी अभी क्या हुआ भाई, एक साल के लिए कोई मसला नहीं है बैटरी का मेरा, एक साल का अभी बड़ा वाला रास्ता पे मैं मिल चुका हूँ दोस्तों। और देखो इधर का ऐसा रास्ता है, मैं क्या होता अगर पीछे से निकलता वो कार गया ना उस साइड से मैं निकल जाता, लेकिन आगे क्या होगा एक सिंगल पे मेरे को रुकना पड़ेगा, देख सकते हो दोस्तों। और ये चांद जैसा टुकड़ा, अरे पानी ख़त्म हो गया क्या, क्योंकि वो एक चांद जैसा टुकड़ा आ रहा है भाई वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर वीडियो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। कुवैत का ज़बरदस्त, देखो रास्ता ऐसा होता है अपने रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, आप लोगों को भाई कुवैत में कैसे गाड़ी चलाते होंगे, क्या क्या रूल नहीं होता होगा, चलाने वाला कोई होता है कि नहीं, वीडियो बनाने वाला
तो भाई उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। देखो ये पेट्रोल का सफारी और रेड सिग्नल चल गया आगे, तो इसे में रुकना पड़ेगा। और भाई गाड़ी बिगड़ता है तो भाई अपना जो कंपनी अच्छा है, मतलब गाड़ी जो लिया है जहाँ से वो अच्छा है, तो भाई आता है। हर किसी का कितने आदमी का आता होगा, किसी का नहीं आता होगा। जो पर्सनली गाड़ी होता है खुद खरीद लिया उसका नहीं आता, मतलब हम तो एक रेंट के हिसाब से है भाई, कंपनी ने रेंट पे लिया है गाड़ी, मतलब 400-500 गाड़ी रेंट पे है। जो हम काम करते हैं उस होटल का रेंट पे है। और उधर से भाई सन आ रहा है, मतलब सनलाइट आ रहा है। और भाई इस साइड ही पड़ता है कुवैत सिटी, देखो ये पूरा सिटी है भाई। अब जब आप प्लेन से उतरने के वक्त देखते हो इसको। और भाई अभी मैं होटल की तरफ ही जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है। और जिसका पर्सनल कार होता है उसका नहीं आता है, इसे हमको रेंट वाला है। और सर्विस पूरा फ्री है, मतलब जितने साल है उतने फ्री है, मतलब जहाँ कहीं भी ऐसा गड़बड़ हो जाए तो भाई आ जाएगा भाई, और भाई को खुश करके भेजेंगे हम, मतलब उनको भाई याद रहेगा। दूसरी बार भी अगर मेरे से मुलाकात हो गई तो भाई याद करेंगे, अच्छा भाई ये वो वाला भाई है, तो कोई मसला नहीं है। भाई बहुत कमाते हैं, बहुत खर्च हो जाता है, कभी कभार फाइन भी आता है, तो भाई सबको खुश करना चाहिए, सबको भाई याद रखे कि भाई हाँ। और भाई बहुत इधर ही होंगे जहाँ से हो, जहाँ अभी है वो, और सीधा आ गए, देखो जल्दी इतना जल्दी होता है। और इधर सिग्नल खुल गया, मैं अभी इधर रखता हूँ फ़ोन को फिर से और आगे बढ़ते हैं। और कुवैत का रास्ता है दोस्तों, इधर पूरा राइट साइड से हमको चलना पड़ता है, लेफ्ट साइड से नहीं चल सकते। और अभी हम बड़ा वाला रास्ता पे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये सिटी की तरफ, सिटी के ही पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आगे आप राइट साइड पे, ये जो अनोखा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भाई कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का है। और उससे आगे का जो राइट का ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये वाला जो छेद छेद जैसा, ये भाई कुवैत का पैसा बनाने वाला है, मतलब कुवैत नेशनल बैंक जो भी है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं भाई। और ये बड़ा वाला मस्जिद जो आपको राइट साइड में दिख रहा है भाई, मस्जिद अल कबीर बोलते हैं अरबी में, और भाई हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कुवैत का मस्जिद है, सबसे बड़ा देख सकते हो, ज़बरदस्त बहुत बड़ा मस्जिद है, मस्जिद अल कबीर, मतलब कुवैत का सबसे बड़ा मस्जिद बोलते हैं अरबी में, मस्जिद अल कबीर, कबीर का मतलब बड़ा वाला, तो वही है। और इधर जो है शेयर का मार्केट भी है। गाड़ी बिगड़ गया ना, जो नहीं आएगा शोरूम वाला, तो इसे उठा के ले जाना पड़ता है दोस्तों। ये देखो ट्रक में इसे उठा के ले जाते हैं, और अगर कंपनी वाला नहीं आया इधर उधर अपना हिसाब से करने के लिए है तो। और गाड़ी क्या ही ज़बरदस्त है इधर, और सीन भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है भाई, अच्छा सा वीडियो निकल रहा है आज। तो भाई जितने भी नए लोग देख रहे हैं, जो भी नए अपने चैनल पे जुड़े हैं, तो भाई उनसे दरखास्त करता हूँ कि भाई आप लोग पूरा चैनल को भाई सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। और कुवैत से जुड़ी हर चीज़ में, हर बातें सब मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, और उसके लिए भाई आप लोगों को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्रेम भाई डालता रहता है वीडियो, उसको देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और बाद में नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आएगा आप लोगों को। और भाई ऐसा ही है, देखो कुवैत का टावर वगैरह सब कुछ इधर से दिखाई दे रहा है। और मैं इधर जो ग्राउंड है फ्री वाली पार्किंग, उधर ले जा कर गाड़ी को खड़ी कर दूंगा। और स्पोर्टेज कार है भाई किया का ज़बरदस्त, और इधर भी मस्जिद है, मैं इधर से अंदर घुसूंगा दोस्तों। साइड लाइट चला चुका हूँ मैं, और ये आगे का बिल्डिंग वगैरह है कुवैत का, ये बहुत बार लाइव मतलब वीडियो में भी दिखा होगा आप लोगों ने, तो बहुत लंबा सा वीडियो हो गया, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और ये अपना कंपनी का ही गाड़ी है, देख सकते हो दोस्तों ये, हाँ ये वाला लिखा भी है। ये लो सनिक, सोनिक जैन, मैं जैन सोनिक बोला ना, मतलब इसका मतलब है भाई कैसा है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार, तू अच्छा है, बोलता है हाँ भाई हाँ जाओ यार, बहुत जाम पड़ा है आगे। तो देखो क्या ही जबरदस्त सीन निकाला है तुम्हारे भाई ने, तो भाई इस सीन के लिए भी वीडियो को जरूर से भाई लाइक करने का, कमेंट करने का, पूछने का भाई को, जो भी प्रॉब्लम वगैरह, जो भी बात हो, आप लोग जो भी जानना चाहते हैं हमसे, तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसने रख दिया भाई, थोड़ा जल्दी आ जाता तो मैं ये रख देता भाई, प्राड़ू भाई घुसा दिए जगह पे, ये फ्री पार्किंग है भाई, इधर बहुत लोग करते हैं पार्किंग, कोई पैसा वैसा लेता नहीं है, ये ग्राउंड है, मतलब खाली ग्राउंड है, और इधर जगह मिल गया तुम्हारा भाई को, देखो ये खाली जगह, इधर घुसा देता हूँ मैं, देखो बैक करके घुसा दिया मैंने, देखो बैक कर दिया ना मैंने, देखो 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 तुम्हारा भाई ने घुसा दिया, हाँ हाँ हाँ, अरे यार ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है क्या,
कोई मसला नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है देखो, ये मैं अभी जो हुआ बताता हूँ। ये देखो, ये ग्लास डोर है, इधर ऑटो होता है, मतलब एक बार दबा के थिसने से, देखो मैं दबा के थिस रहा हूँ फिर भी एक पूरा ग्लास नहीं नीचे उतर रहा है। देखो छोड़ने पे, देखो ऊपर भी नहीं जा रहा है उंगली छोड़ने पे। लेकिन क्या होता था, अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, ये होता था ऊपर पूरा होता था एक बार छोड़ने, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ था पहले भी जो करते वक्त। एक बार मैं पूरा ऑफ कर दिया और फिर से एक बार मैं चालू करता हूँ और देखता हूँ होता है कि नहीं। देखो पूरा मोटर वोटर चालू हो गया। हाँ, एक ही झारके में होता है भाई। नहीं हो रहा है भाई, क्या हुआ मसला, नहीं हो रहा है। देखो तुम, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं है भाई, मसला नहीं है, पूरा खींचूंगा। और इधर लिखा भी होता है सेफ्टी वगैरह, ये देखो ड्राइव सेफ्टी एंड रूल्स वगैरह सब कुछ इधर लिखा होता है भाई गाड़ी के। और इधर कंटिन्यू करना पड़ता है जब राइडिंग करने के लिए। और ये देखो रेडियो ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ होता है भाई। और एक कुवैत का टावर है दोस्तों, बाहर का टावर देख सकते हो इधर, जबरदस्त। और इधर का है एरिया, और तुम्हारा भाई है इधर, प्रेम भाई। प्रेम भाई बोलो, प्रेम भाई। तो भाई बाल बाल अभी सफर जाने का वक्त होने वाला है, 4-5 महीने बाद मैं इधर से फुर हो जाऊंगा। तो भाई बाल बाल रखा है थोड़ा, मतलब अपने उतर जाने के लिए। और चश्मा बस्मा भी है, देखोगे भाई का चश्मा बस्मा भी। हाय हाय, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई बोलो। भाई के चश्मे के लिए लाइक कर दो दोस्त, और बहुत प्यार भरा बातें आप से होती रहेगी, मुलाकातें होती रहेगी। और चश्मा मैं अभी नहीं पहनूंगा। और भाई इधर से निकलते भाई, निकलते बहुत पहले ही देर हो चुका है, और पहले ही देर हो गया ना, तो इसलिए इधर से जल्दी जल्दी निकलते थे। हाँ देखो ये पूरा फ्री पार्किंग है, फ्री का पार्किंग। अभी इधर से हम निकल चुके हैं दोस्तों, और बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी है भाई, का ही बताए, पूरा पूरा इतना गाड़ी है, इतना गाड़ी है, देखो पूरा गाड़ी है भाई, पूरा गाड़ी, पूरा गाड़ी। और लाइट किधर से आ रहा है, सनलाइट इधर से आ रहा है, इधर से सनलाइट इधर से आ रहा है। कोई मसला नहीं है भाई, ब्लॉग बनाता है तुम्हारा भाई। देखो ये मस्जिद है जबरदस्त बहुत, इधर गाड़ी खड़ी करके इधर भी जाके मस्जिद में सल्ली बोलते हैं इधर अरबी लैंग्वेज में, जो मतलब क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जो जाते हैं इधर से ही अंदर जाते हैं। और भाई अपना गाड़ी इधर ही खड़ी करके जाएंगे पैदल पैदल, टकर 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 टकर, तुम्हारा भाई जाएगा। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट ब्लॉग्स पे, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स पे। और जो भी पूछना है बात वगैरह, तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और जाते जाते भाई एक फिर से बात बताता हूँ कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइज़।